व्हाट इज़ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता क्या है और क्या है। जैसे किसी भी वर्क को हम एनालिसिस करना, उसको डिटेल्स एनालिसिस करके उसके बारे में जानना और क्या ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव कितना है, वाई अप्रिशिएट इट, हमें इसे अप्रिशिएट क्यों करना चाहिए, उस वर्क को डिटेल्स जानना, डिटेल्स अबाउट द वर्क एंड क्या वह वर्क हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, वाई वर्क इज़ इफ़ेक्टिव, क्यों ये इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब यह नहीं हुआ कि हम उस वर्क को क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसाइज मतलब उसका नहीं, उसके हम डिटेल्स जानकारी और फिर अपना कंक्लूजन दें, फाइनली कंक्लूजन। एप्रिसिएशन पर्सन टू पर्सन वैरी हो सकता है, तो अलग पर्सन अपने विचार कैसे उस वर्क के प्रति दे रहा है उस पर डिपेंड है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन यही हुआ कि किसी वर्क को एनालाइज करना, डिटेल एनालिसिस करना और अपना कंक्लूजन देना, दैट इज़ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ओके।